आप देख रहे हैं भारत की रफ्तार 24। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए और जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की मांग को लेकर हापुड़ जनपद में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार भी पहुँचे। सभा में सभी से मांग की गई कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। यदि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, इसके साथ ही आबादी बढ़ने से देश को काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। वहीं जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया। वहीं सभा में बताया गया कि देश के सीमित संसाधन के सापेक्ष निर्बाध गति से बढ़ती हुई आबादी के कारण भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अत्याचार, अनाचार जैसी भयानक समस्याओं का समाधान संभव नहीं है, इसलिए धर्म और संप्रदाय की भावनाओं से ऊपर उठकर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को देश के गांवों और नगरों के नागरिकों को जन आंदोलन बनाया जाना आवश्यक है। अरुण बेनीवाल की रिपोर्ट। करता हूं और गौरवान्वित समझता हूं अपने आप। आज एक चर्चा चली है कि 1947 से पहले वो कौन थे, और आज वहाँ ये चर्चा चली है 1947 से पहले हम हिंदुस्तान थे, तो फिर हमारे पूर्वज कौन थे, तो फिर उनको लगता है कि तक्षशिला हमारी यूनिवर्सिटी थी, पाणिनि भी था, चाणक्य था, ये सारे जो हमारे दाहिर सैन भी हमारा पूर्वज है। इसलिए आज जब वो पाकिस्तान की जड़ ढूंढने जा रहे हैं तो उस जड़ में आता है लाहौर भी हिंदुस्तान था, कराची भी हिंदुस्तान था, पेशावर भी हिंदुस्तान था, तो ये सारा हिंदुस्तान था। फिर हिंदुस्तान से नफरत होनी चाहिए कि मोहब्बत होनी चाहिए, इसलिए जड़ों में जाएंगे तो वो भी सारा हिंदुस्तान था, ये वो आज मानने लगे हैं और बोलने लगे।